हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल मैदान में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम मनाया गया। वहीं कोरोना महामारी के मद्देनजर पूरे एहतियात के चलते स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने शिरकत की और मैदान में तिरंगा फहराकर जनता को संदेश दिया। मुख्य अतिथि राजेंद्र गर्ग का पहुंचने पर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र ठाकुर, कौशल विकास निगम के समन्वयक नवीन शर्मा, डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा, एसपी अरिजीत सिंह के अलावा आला अधिकारी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर कोरोना महामारी के दौरान बेहतर सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य विभाग के अलावा सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है। सबसे आगे हिमाचल प्रदेश पुलिस प्लाटून कमांडर एएसआई राजकुमार के नेतृत्व में सलामी मंच से गुजरते हुए होमगार्ड प्लाटून कमांडर रमेश चंद की अगवानी में सलामी मंच से गुजरते हुए पुलिस क्विक रिस्पॉन्स टीम एएसआई राकेश कुमार के नेतृत्व में सलामी मंच से गुजरते हुए के इस अवसर पर जिला स्तरीय समारोह में पधारे आज के नदौन पुलिस थाना के हैं, उनकी ओर से भी ये प्रशस्ति पत्र प्राप्त करेंगे। निरीक्षक छोटा राम जी, प्रभारी थाना डॉक्टर अशोक कौशल जी, श्री सतीश शुक्ला जी एमईआईओ हमीरपुर और साथ ही 55 वहां के हमारे कर्मचारी। मुख्य अतिथि राजेंद्र गर्ग ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए हर व्यक्ति ने अहम भूमिका निभाई है और हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी शहादत को याद किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को आज याद करने का दिन है, जिन्होंने अपना जीवन देशभक्ति के लिए लगाया और आज़ादी दिलवाई। उन्होंने कहा कि आज सभी शहीदों को स्मरण करना नैतिक कर्तव्य बनता है। आज हम सभी हिमाचलवासी मिलकर अपने महान लोकतांत्रिक देश का 74वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन सभी महान देशभक्तों, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि आज हम अपने देश के अंदर स्वाभिमान के साथ, स्वतंत्रता के साथ अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए खुले मन से बिना किसी बंदिश के हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं और जो हमारे देश के लिए आवश्यक है उसको हमारे देश के सोच के अनुसार हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए यह स्वतंत्रता दिवस इस दिन जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान देश की निछावर करने के बाद ऐसे अनेक ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को आजाद कराने के लिए लगा दिया, 16 साल की उम्र से लेकर जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे युवाओं ने अपना जीवन जो है देशभक्ति से ओतप्रोत होकर आज हमारे लिए इस स्वतंत्र भारत को हमारे हाथों में सौंपा है। इसके लिए आज उन सबका स्मरण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि भारत चीन सीमा पर हुई झड़प में शहीद हुए हमीरपुर के शहीद अंकुश ठाकुर को याद किया गया और कहा कि हमीरपुर वीरभूमि है और शहीदों की शहादत कभी बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल का इतिहास में नौजवानों ने सीमा पर कुर्बान होने में कभी पीठ नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा कि गर्व की बात है कि देश का पहला परमवीर चक्र भी हिमाचल के
बीरसपूत के नाम है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास सैनिकों के पराक्रम और शौर्य के बलिदान से ओतप्रोत है। देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के बाद हुए विभिन्न युद्धों व संघर्षों में इस प्रदेश के नौजवानों ने सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। सैन्य बलों में सेवा करना और देश की खातिर कुर्बान होना यहाँ की रीति है। यह बड़े गर्व की बात है कि देश का प्रथम वीर चक्र भी हिमाचल प्रदेश के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। अब तक इस प्रदेश के वीर बहादुरों को 4 महावीर चक्रों से सम्मानित किया जा चुका है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की यह धरती जिसमें हमारा हमीरपुर जिला की विशेष स्थान रखता है, वीर सपूतों से भरी हुई है। ऐसे अनेक कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे, संजय ठाकुर जैसे, ऐसे वीर सपूत जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपना खून पसीना बहाया है, अपनी जान भी दी है। और संजय ठाकुर जैसे परमवीर चक्र विजेता आज हमारे बीच में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। ऐसा गौरवमय इतिहास आज हम इसी हमीरपुर जिला में कैप्टन मृदुल शर्मा और यहाँ के ही अभी जो चाइना के साथ एक संघर्ष चला हुआ है, हमारे जावाज नौजवान अंकुश और हमारे रोहित ठाकुर जो कश्मीर के अंदर जिनकी शहादत हुई है, ऐसे जावाजों को स्मरण करना आज हमारा परम कर्तव्य है। उनको भी मैं इस मंच से अपनी ओर से आप सबकी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।